बच्चों अब हम सीखेंगे 5 8 58। कौन सा नंबर सीखेंगे? 5 8 58। पहले हम बिट्स काउंट करेंगे। एक रिंग में कितने बिट्स है? 10 10 बिट्स। कितने? इनके पहले वाले वीडियो में हमने काउंट किए थे ना, एक बिट्स में, एक रिंग में कितने बिट्स है? 10 10 बिट्स। तो फर्स्ट वाली रिंग को हम वापस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने बिट्स है? 10। तो 10 10 बिट्स वाली हमारे पास यहाँ पे 5 रिंग है, तो कितने हो गए? 50। 10 plus 10 20 plus 10 30 20 plus 10 30 plus 10 40 plus 10 50। अब यहाँ पे 50 के बाद यहाँ पे कुछ बिट्स ऐसे ही पड़ेंगे, तो 50 के बाद क्या आता है? 50। 50 के बाद 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58। फिर तो ये कितने बिट्स है हमारे यहाँ पे? 5 8 58। और नंबर कौन सा है? 5 8 58। तो हम यहाँ पे पहले 5 8 58 को ट्रेस करेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। और ये 8 क्या है? पहले एक छोटा सा सर्कल ऊपर, उनको टच करते हुए छोटा सा एक सर्कल नीचे, तो क्या बनेगा? 5 8 58। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। 8 कैसे बनाएंगे? पहले ऊपर एक छोटा सा सर्कल, उनके नीचे एक छोटा सा सर्कल, दोनों सर्कल को कॉर्नर से टच करते हुए 8 बनाएंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। फिर ऊपर की ओर एक सर्कल बनाएंगे और नीचे की ओर उसको टच करते हुए दूसरा सर्कल बनाएंगे। सो बच्चों, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। और 8 कैसे बनाएंगे? ऊपर की ओर एक सर्कल और नीचे की ओर एक सर्कल, तो क्या बन गया हमारा? ये 8 बन गया। 5 8 58 क्या है ये? 5 8 58। तो हम बिना ड्रेसिंग की मदद से वापस ये करेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। पहले एक छोटा सा सर्कल, उनको टच करते हुए दूसरा एक छोटा सा सर्कल। 5 8 58। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। फर्स्ट सर्कल, देन सेकंड सर्कल। 5 8 58। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल। 5 8 58। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। ऊपर की ओर एक सर्कल, नीचे की ओर एक सर्कल, ये बन गया हमारा 8। तो क्या हो गया ये? 5 8 58। बच्चों आप लोगों को ये पहले ट्रेस करना है, फिर बिना ट्रेसिंग की मदद से कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। तो आप लोगों को अभी ये अपनी बुक में करना है। थैंक यू।